आसरा जो है वो जयपुर में मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है सुनते हैं। आप सबको पता है तो उनके लिए हम उनकी लोगों की सेवा करें, उनको बैठाने की व्यवस्था करें, छाया प्रदान करें, गर्मी हो तो कूलर लगाएं, अच्छा ठंडा पानी पिलाएं, चाय पानी की व्यवस्था करें। और जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नोटबंदी जब की थी और लोग परेशान हो रहे थे कतारों में अपना खुद का पैसा लेने के लिए, तब जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने हमें कहा था कि जो लाइन में खड़े उनकी सेवा करो, उसी तरीके से हम हमारे सरकार जो राहत कैंप लगा रही है और प्रशासन गांव के संघ और शहरों के संघ लगा रही है, उसमें हमारे तमाम कार्यकर्ता हम लोग काम करेंगे और लोगों को राहत प्रदान करेंगे। और यहाँ पीसीसी में हमने 11 आदमियों का कंट्रोल रूम बनाया है और लगभग शायद 2750 या 49 जो भी हैं जितने कैंप लगे हैं उनके आज हमने सब कैंपों के एक एक प्रभारी लगा दिए हैं। 2700-2800 आदमी हमने नियुक्त कर दिए हैं और फिर जिला और विधानसभा के अलग से हमने कोऑर्डिनेटर लगाए हैं। तो तमाम इस पूरी टीम को साथ लेकर के हम सरकार जो राहत प्रदान कर रही है 19,000 करोड़ का जो पैकेज बजट में घोषणा की थी उसको जनता को पूरी तरीके से किसी दिक्कत नहीं महसूस करते हुए ये काम करें, ये काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बात एक निकल करके आई कि अब की बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो कहीं किसी के कोई दिक्कत नहीं हो इन कैंपों में, तो इसके लिए हमने विशेष निर्देश दिए हैं संगठन की तरफ से और सरकार ने भी अपनी तरीके से पूरी व्यवस्था की है। और दूसरी तरफ जो भी लोग आए वो एक ही बात कह रहे थे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद राजस्थान के हितों की पैरवी दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह से नहीं कर रहे। और चलिए एक बार फिर कर रहे हैं अजमेर का, जहां पर